हेलो दोस्तों, वेलकम करता हूं आप सभी का एक बार फिर से। आप देख रहे हैं वाह सिंपल, मैं आपके साथ शमशाद हुसैन। 2022 में सम्मिलित होने वाले वैसे विद्यार्थी जो मैट्रिक क्लास में हैं या फिर इंटरमीडिएट में हैं, उनके लिए एक इम्पोर्टेंट नोटिस निकल कर आ रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था डमी रजिस्ट्रेशन डाउनलोड हो रहा है। तो डमी रजिस्ट्रेशन बेसिकली किस लिए डाउनलोड हो रहा था कि यदि आपका माता पिता, आपका डेट ऑफ बर्थ में, आपके नाम में, आपके लिंग में किसी प्रकार की त्रुटि है तो आप उसको एक बार जाँच लीजिए और जांचने के बाद जो है अपने स्कूल में, कॉलेज में सबमिट कर दीजिए ताकि आपका जो पंजीयन है उसमें सुधार हो सके। तो बहुत सारे लोगों ने ये काम कर लिया। अब ओरिजिनल पंजीयन आ चुका है, तो ओरिजिनल जो पंजीयन है वो आप खुद से डाउनलोड नहीं कर सकते हो, ये तो आपको पता ही होगा। इसके लिए आपको अपने कॉलेज में या फिर आप अगर मैट्रिक में हैं तो आपको अपने स्कूल में जाना होगा और वहां से जाकर आप पंजीयन प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले एक फॉर्म भरा जाता है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा जाता है। वो फॉर्म भरने के बाद ही आप सम्मिलित हो सकते हैं परीक्षा में, ठीक है। तो फॉर्म का डेट जो है जारी कर दिया गया है, शुल्क कितना लगेगा और फॉर्म को कैसे फिल करना है ये सब जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, बिना स्किप किए लास्ट तक आप ज़रूर देखिए। फॉर्म का जो डेट है वो 14 तारीख से 24 तारीख तक यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो आज है 15 अगस्त और स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं के साथ मैं ये वीडियो का अपडेट दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो आप अपने नज़दीकी जो कॉलेज है या फिर जो आपके स्कूल है वहां पर जाकर के आप अपने हेडमास्टर से संपर्क करके ये फॉर्म ज़रूर भर लें। आइए, जो नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है उसको हम दिखा देते हैं क्या कुछ वहाँ पर लिखा गया है, और साथ ही साथ दोनों नोटिफिकेशन का आपको ऑफिशियल हमारे जो ट्विटर अकाउंट है या फिर टेलीग्राम अकाउंट है वहाँ पर आपको वो पोस्ट मिल जाएगा। आप वहाँ पर हमें फॉलो करके देख सकते हैं। इंस्टाग्राम में अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पर फॉलो कर लीजिए। चलिए चलते हैं अपने पीसी स्क्रीन पर और जानते हैं पूरी जानकारी विस्तार से। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति पटना की तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल कर आ रहा है। यहाँ पर इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022, साथ ही साथ वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 यानी दसवीं क्लास के लिए और इंटरमीडिएट के लिए, दोनों के लिए इम्पोर्टेंट जो नोटिफिकेशन है वो निकल कर आ रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, बताया गया है इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 सत्र 2020-22 में सम्मिलित होने के लिए सूचीकृत छात्र छात्राओं के जारी मूल सूचीकरण कार्ड में परिलक्षित त्रुटि में सुधार करते हुए ऑनलाइन परीक्षा आवेदन दिनांक 14/8/2021 से 24/8/2021 तक की सूची निर्धारित अवधि में भरे जाने के संबंध में आवश्यक सूचना जारी किया गया है। तो यहां पर जो फॉर्म भरने का तिथि रखा गया है 14/8/2021 से 24/8/2021 तक, वहीं अगर हम मैट्रिक की बात करें तो इसके लिए भी डेट रखा गया है 14/8/2021 से 24/8/2021 तक, ठीक है। तो इंटरमीडिएट में जो भी परीक्षा देंगे अगली वर्ष, ठीक है, वो जाकर के अपना फॉर्म भर लीजिए, और साथ ही साथ जो मैट्रिक का भी परीक्षा देंगे अगले वर्ष वो भी अपना फॉर्म जाकर अपने स्कूल में भर सकते हैं। यहाँ पर जो कुछ इससे रिगार्डिंग कुछ महत्वपूर्ण अपडेट दिया गया है, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि आपका जो डमी रजिस्ट्रेशन कार्ड था उसमें आपने जो त्रुटि था उसमें सुधार करा लिया, और फिर अवसर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर अंकित छात्र छात्राओं के नाम, उनके माता पिता के नाम, फोटो, जन्म तिथि, जाति, धर्म, राष्ट्रीयता, लिंग, विषय आदि से संबंधित त्रुटि ऑनलाइन सुधार हेतु क्रमशः दिनांक 28/7/2021 से 5/8/2021 एवं 9/8/2021 से 12/8/2021 तक अवसर प्रदान किया गया था। तो यहां पर आपको बता दें कि ये जो डेट है अब खत्म हो चुका है, यानी डमी रजिस्ट्रेशन में अब किसी तरह का सुधार आप नहीं कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपका जो है ओरिजिनल अब आ गया है, आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में आप जाकर प्राप्त कर सकते हैं। विदित हो कि वर्णित अवधि में त्रुटियों के सुधार एवं परिमार्जन के उपरांत छात्र छात्राओं का मूल पंजीयन कार्ड जारी करते हुए इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा 2022 सत्र 2020-22 में सम्मिलित होने के लिए ऑनलाइन रूप से समिति की वेबसाइट ये biharboardonline.com पर परीक्षा आवेदन पत्र एवं शुल्क जमा करने हेतु विज्ञप्ति संख्या यहां पर 126/2021 द्वारा दिनांक 14/8/2021 से 24/8/2021 तक अवधि निर्धारित की गई है। तो आपको ये फॉर्म खुद से आपको नहीं भरना है, खुद से भराएगा भी नहीं, आपको कॉलेज में ही जाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप पूरा नोटिफिकेशन लिया गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर मैट्रिक के लिए भी आपको बताया गया है। तो अब आपको एक बात यहाँ पर क्लियर करते चलें कि जो यहाँ पर शुल्क लगेगा, शुल्क रिगार्डिंग यहाँ पर कोई अपडेट यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो शुल्क आप जा करके स्कूल में पता कर सकते हैं, कॉलेज में पता कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर शुल्क आपको कंफर्म मालूम नहीं पड़ेगा। वैसे भी आपको फॉर्म भरने तो स्कूल जाना ही है, तो आप जाइए और अपना फॉर्म को फिल करके जमा दीजिए। आशा है, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में एक और फ्रेश टॉपिक के साथ। तब तक के लिए विदा दीजिए, गुड बाय, टेक केयर।